आज वैसे एक ही एक्सरसाइज करूंगा रियल डेड की, क्योंकि कॉलर पे भी थोड़ा फोकस करना है, प्लस फ्रंट जो शोल्डर है उस पर भी थोड़ा सा वर्क करना है। शोल्डर थोड़ा सा वीक है, बट कोई ना, कवर हो जाएगा। ओके। अरे यार, रियल लेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल शोल्डर जो है साइज अगर बढ़ेगा तो वो रियल लेंथ से ही बढ़ेगा, क्योंकि देखने में जो जितना अच्छा लगना चाहिए शोल्डर वो रियल लेंथ से ही लगेगा, जब आपका काफी अच्छा होगा रियल लेंथ। जब बैक डबल बाइसेप आप पोज करोगे तब भी अच्छा लगता है, प्लस ओवरऑल साइज अगर बढ़ाना है तो रियल लेंथ बहुत जरूरी है। ओके। ओके। फ्रंट शोल्डर, फ्रंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फ्रंट से देखते हो तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए शोल्डर। अगर साइड फ्रंट ही अच्छा होगा तभी तो आपका शोल्डर भी अच्छा दिखेगा ओवरऑल। ओके।
आई थिंक फ्रेंड काफी बेटर है और फ्रेंड शोल्डर बहुत जरूरी है, तभी ओवरऑल साइज दिखेगा थोड़ा सा। ओके डिपेंड करता है कि आप कितने सेट करते हो। मोस्टली मैं ज्यादातर तो चार ही सेट करता हूँ, हर एक्सरसाइज के चार सेट, बट आप कैसा क्या किस हिसाब से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेट में कितना करते हो। ओके Thank you.
कॉलर बहुत जरूरी है, बट मैंने काफी टाइम से किया भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा मैंने आज इसको शोल्डर में ऐड कर दिया है कॉलर। तो कॉलर मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि कॉलर से ही ओवरऑल आपका थोड़ा हैवी दिखेगा मसल और शोल्डर भी। ओके आई थिंक लास्ट वन मोर। ऑलराइट एक्सरसाइज हो गई खत्म।
पहले से काफी ठीक है वैसे। All right.